लोगों से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा ले हों। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, उनके साथ भारी समर्थन है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से भी और प्रशासन से भी कि हमारे भाइयों को जो पूछताछ करना हो इस चर्चित हत्याकांड में, वो वीडियोग्राफी अभी तक उनकी वीडियोग्राफी होती है वो इस जेल में, इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं गुजरात जेल में कि जहाँ पर इसकी सुविधा हो। वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते हैं सर। हम बता रहे हैं हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देगी जेल से निकाल के। हमको और रमित कुमार शर्मा और अमिताभ यश जी एसटीएफ के अधिकारी हैं ये। और उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था जब ये हत्याकांड हुआ था, उस समय हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था इस बयान के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा पूरा मौका मिल गया। सर हम लोग बहुत परेशान है, हमारे दोनों भाइयों की मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। हमारी भाभी को साजिश में फंसा, मुकदमा लगाया हमारी भाभी के। आप जो नंदी का नाम ले रही है, मंत्री का, मंत्री नंदी ने उधार नहीं चुकाया। एक सवाल दे, प्रशासन ने फंसाया सर नंदी। ये जो अभिलाषा जो दस साल से मेयर रह रही हैं, इनकी साजिश है कि शाइस्ता को इसमें फंसा दो जिससे इलेक्शन ना लड़ पाए। अभिलाषा नंदी जी की पत्नी जो है, जो इस वक्त मेयर है इलाहाबाद की, उन्होंने वो किसी तरह नहीं चाहनी कि हमारी भाभी मेयर के लिए इलेक्शन लड़े। 5 करोड़ किसने लिया? नंदी जी ने हमारे बड़े भाई से उधार लिया था जब हम दोनों जी सर हम क्या जाने वो लोग एक समय में किस वक्त लिया था ये सब हम नहीं बता सकते सर। मैं बता रही हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। जब हम और भाभी गुजरात मिलने गए थे एक दफ़ा भाई साहब के पास, तो भाई साहब ने मेरे सामने कहा शाइस्ता नंदी से मेरा पैसा मंगवा लो। जी उधार लिया था। किस वक्त लिया?